दोस्त कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्त इस साल जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए अभी वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो उसका सबसे बड़ा मकसद है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। जी हाँ दोस्तों, तो कितना क्वेश्चन अगर सही करेंगे आप तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे इस सेवी टीम में 2021 में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 0.25 निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका कुछ हम खास बातें बताएंगे और कितना अटेम्प्ट करना है, किस राज्य से रहेंगे तो जनरल ओबीसी एससी एसटी, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि क्वेश्चन का, तो आप लोग जानते हैं ना कि 25 मैथ, 25 रीजनिंग, ठीक, 25 आपका जीके जीएस करेंट अफेयर्स जो भी रहता है, 25 रहता है उसमें। उसके बाद जो 25 होता है वो हिंदी नहीं तो आप इंग्लिश, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी नहीं तो आप इंग्लिश को चूज कर सकते हैं। तो यानी कि टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। देखिए पिछले बार में आप लोग कहेंगे कि पिछले बार में ज़्यादा कट ऑफ गया, तो पिछले बार में कट ऑफ जाने का कारण क्या था कि नॉर्मलाइजेशन आप लोग देखे होंगे या आप ही अगर परीक्षा दिए होंगे तो, जिसका 60 नंबर रो मार्क था उसका कहीं कहीं 80 नंबर भी बन गया था, और जिसका 80 नंबर रो मार्क था उसका कट करके 75 पर भी आ गया था। क्यों? क्योंकि उस समय माइनस मार्किंग नहीं था, लेकिन इस समय माइनस मार्किंग है। उस समय क्या था कि 100 क्वेश्चन में 100 लोग अटैम्प्ट किए थे। यस आर नो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। 100 अगर क्वेश्चन था तो 100% लोग अटैम्प्ट कर दिए थे, गलत सही ऐसे ही कि जो सही होगा वो सही होगा। लेकिन इस बार वैसे नहीं है, 0.25 बार बार बता रहे हैं कि माइनस मार्किंग है। तो आप अगर किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी स्टेट से अगर जनरल का हैं, तो आप रो मार्क यानी कि सही सही क्वेश्चन, गलत अटैम्प्ट करिएगा, सही सही क्वेश्चन अगर आप 75 प्लस अगर कर देते हैं किसी भी स्टेट से जनरल में, तो आप क्वालिफाई हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और कैसे क्या करना है हम आपको बताएंगे, और इस चैनल पर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे, क्योंकि इस चैनल पर एसएससी जीडी से रिलेटेड सब बातें बताते हैं, ठीक है। तो 75% अगर ऊपर कर देते हैं, 75+, तो आपको कोई नहीं रोकेगा, नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ नंबर आ जाएगा। हाँ लेकिन गलत ज़्यादा नहीं करना है। अगर जनरल से ये तो बात हो गया, ओबीसी से है, ओबीसी से मात्र इससे -2 से -3 कीजिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन 70+ रखिए, 70+ लगे ऐसे। आपने तो कोशिश करना है कि 80+ 100, अगर आप 100 मान के चलेंगे तो आप 90 करेंगे, लेकिन हम एक एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, ये नहीं कंफर्म है, ठीक है। तो 70 अगर आप एससी और एसटी से हैं तो 65+ मान करके चलिए। इससे आप अगर करते हैं, कम करते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। हम ये नहीं आपको झूठ बोलेंगे कि इतना कर लीजिए 40 पे बन जाएगा, 30 बन जाएगा, नहीं, कट ऑफ तो जाएगा, हाई जाएगा। ये रहा आपका मेल के लिए, और फीमेल के लिए मात्र इससे जो जनरल ओबीसी एससी एसटी, तो मान लेते हैं कि जो मेल में ओबीसी का बताए वो जनरल में फीमेल का रहेगा, जो एससी एसटी का बताए वो इसमें फीमेल का ओबीसी का रहेगा, यही अंतर पड़ेगा और कुछ नहीं अंतर पड़ेगा दोस्तों। तो सब मिला करके तैयारी करना है, तैयारी इस प्रकार से करना है, प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर तैयारी करना है कि किस प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो किसी कारणवश से हम वीडियो को नहीं लेकर आ रहे थे इस चैनल पे, और जो पहले से मेरे व्यूअर होंगे वो जानते होंगे कि क्या दिक्कत थी, शेयर करेंगे लेकिन अभी नहीं दोस्त। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, बेस्ट ऑफ लक, बिना किसी रुकावट का आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है।